क्या बोले वो इतना बोले। अगर आपके अंदर इतना जुर्म नहीं है कि आपने मुझे बुलाया और आप मुस्लिम लीग नवाज और पंजाब पुलिस के दरमियान आपस में शेलिंग और पथराव का मुकाबला हुआ। नैब में मरियम नवाज की आज पेशी थी। पेशी के दौरान और पेशी होने से पहले यह हमला करवाया गया मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से और मरियम नवाज को नैब में जाने से पहले ही रोक दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नौशीन स्पीक। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मरियम नवाज़ की पेशी थी नैब में। नैब के दफ्तर पे बाकायदा मरियम नवाज़ के लोगों ने और उनके कारकुनों ने बुरी तरीके से शेलिंग और पथराव किया और नैब के दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की। वीडियो को मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मरियम नवाज के कारकुनों ने पहले से गाड़ी में पत्थर भरे हुए थे और पुलिस के ऊपर इन्होंने पथराव किया और उसके बाद आंसू गैस और शेलिंग भी की। नैब ने इस पूरी सूरत हाल को देखने के बाद मरियम नवाज की पेशी को रोक दिया गया और उनको इस बात के लिए मना कर दिया कि वो नैब के दफ्तर तक नहीं पहुंचे, क्योंकि नैब के दफ्तर को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ कर दी गई थी। मरियम नवाज के कारकुन चाहते ही नहीं थे कि ये पेशी हो, क्योंकि इस पेशी के बाद मरियम नवाज मजीद मुश्किलात का सामना करती। दूसरी तरफ मरियम नवाज इस बात का इल्ज़ाम पीटीआई की हुकूमत पे लगा रही हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने इस तरह से इनके कारकुनों के ऊपर हमला करा और कारकुनों को बदनाम करने के लिए सारा प्रोपेगेंडा किया है। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बार में ज़रूर राय दें। वीडियो को मुकम्मल सुनने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।